subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं धातु की अम्ल व क्षारक के साथ अभिक्रिया। आज हम लोग पढ़ेंगे धातु की अम्ल व क्षारक के साथ अभिक्रिया। पिछली वीडियो में पढ़े थे टाइप्स ऑफ एसिड और टाइप्स ऑफ बेसिस, मतलब एसिड, क्षार और अम्ल कितने प्रकार के होते हैं और उसके बारे में पढ़े थे। आज अभी इस वीडियो में थोड़ा रिएक्शन करवाएंगे और एक फिगर है उसके साथ से बताएंगे कि कैसे क्या होता है। ये हाई स्कूल है, कक्षा 10 की केमिस्ट्री के बारे में लेसन 2 का है। तो हम पढ़ेंगे धातु की अम्ल व क्षारक के साथ अभिक्रिया। इसमें देखिए हम लिए हैं पोटेशियम, जिंक, सोडियम, ये हमारे एलिमेंट्स हैं, मतलब तत्व हैं। पहले हम अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, जैसे फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, जिंक हो गया, सोडियम हमने धातु के रूप में इसको लिया है, ये हमारा क्या हो गया, धातु हो गया। हमारा अम्ल क्या है, ये HCl है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। तो हम पहले अम्ल और धातु की अभिक्रिया करा रहे हैं, तो इससे हमारा क्या प्राप्त होगा, लवण और H2, मतलब हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुआ है। तो लवण प्राप्त हुआ है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुआ है। तो अब इसमें देखिए हम इसको थोड़ा एक एग्जाम्पल लेकर हम दिखा रहे हैं इसको, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हाइड्रोक्लोरिक हमारा अम्ल हो गया और यहाँ पर हमने धातु के रूप में क्या लिया है, जिंक लिया है। धातु के रूप में क्या लिया है, जिंक लिया है, मतलब इसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं। तो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जिंक का रिएक्शन इसमें करवाए हैं तो हमारा क्या प्राप्त हुआ है, इसमें जिंक क्लोराइड, मतलब क्या प्राप्त हुआ है, जिंक क्लोराइड, और हमारा क्या हुआ है प्राप्त, H2 मतलब हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई है। ऐसे ही हम इसको भी करेंगे क्षार के साथ। अब तक तो अम्ल के साथ किए थे, अब देखिए क्षार के साथ कर रहे हैं। हमारा प्राप्त क्या हुआ इसको देखिए बस, कि जिंक क्लोराइड और H2 प्राप्त हुआ है। अब इसमें देखिए, इसमें अम्ल के साथ और धातु में करा रहे थे तो इसमें भी क्षारक के साथ करा रहे हैं। तो क्षारक और धातु इसमें क्या लिए है, फिर इसमें में हम जिंक लिए हैं, तो NaOH हमारा क्या है, क्षार है, हमारा क्या है, क्षार है, हमारा क्या है, जिंक क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा क्या है, क्षार है, और जिंक क्या है, हमारा धातु है। तो अब इसकी अभिक्रिया कराए थे यार लवण और H2 गैस प्राप्त हुआ है। तो लवण हमारा क्या हो गया, Na मतलब सोडियम और जिंक, सोडियम जिंक और H2, मतलब सोडियम प्राप्त हुआ है और जिंक और H2 मतलब हमारा हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई है। तो अब इसको अब पता कर लेंगे कैसे प्राप्त हुआ है। जैसे मतलब देख लीजिए हमारा क्षार है, इसमें हम लोग साथ करवाए हैं क्रिया जिंक और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसमें Na मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड OH से करवाए हैं और जिंक से करवाए हैं, धातु इसके साथ लिए हैं, और प्राप्त हमें हुआ है सोडियम जिंक सोडियम जिंकाइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई है। अब देखिए इसमें भी यही प्राप्त हुआ है, देखिए जिंक और क्लोराइड, और इसमें भी जिंक प्राप्त हुआ है और सोडियम प्राप्त हुआ है। और इसमें देखिए कॉमन क्या बात है, कॉमन हमारा ए है, हाइड्रोजन कॉमन हमारा मिला है, देखिए इसमें भी हाइड्रोजन प्राप्त हुआ है और इसमें भी हाइड्रोजन प्राप्त हुआ है। तो जब हाइड्रोजन हमें मिला है तो हम इसका परीक्षण करेंगे कि कैसे पता करेंगे वो हाइड्रोजन गैस है या दूसरी कोई गैस है। तो उसको परीक्षण करने के लिए हमने एक स्टैंड लिया है, ये हमारा क्या है, स्टैंड है, स्टैंड लिया है हमने। तो अब क्या है, स्टैंड ले लिया है, तो अब इसको हाइड्रोजन गैस का परीक्षण करना है, इसका हम परीक्षण कर रहे हैं। तो इसका जब हम परीक्षण कर रहे हैं तो एक हमारा यहाँ पर क्या है, टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब है हमारा, टेस्ट ट्यूब है हमारा। तो यहाँ पर हमने परीक्षण किया हाइड्रोजन गैस का, हम परीक्षण कर रहे हैं। देखिए अच्छे समझिएगा, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम लिख लीजिएगा, इसको फिगर ही बना लीजिएगा और इसको अच्छे समझिएगा। हाइड्रोजन गैस का हम परीक्षण कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब ले लिया है, ये हमारा स्टैंड है। तो हमने स्टैंड में इसमें क्या किया है, टेस्ट ट्यूब में हमने चारों तरफ से इसको बंद किया है, ढक दिया है, और इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जिंक दो चीज हम इसमें मिलाए हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जिंक, मतलब एक हमारा क्या है, अम्ल है, एक का है धातु है। तो जब हम अम्ल और धातु के इसमें मिलाए हैं तो हमारा इसमें इस रास्ते से, देखिए इस रास्ते से हमको गैस जा रही है,
जब इस रास्ते से गैस जा रही है इसमें, तो हमारा क्या है, एक बर्तन है, एक क्या है, सिस्टम हमारा है। सिस्टम को जाने के लिए आप पिछली वीडियो हमारी देख सकते हैं कि सिस्टम क्या होता है हमारा। ये कोई सिस्टम हमारा है और इसमें साबुन का हमारे इसमें क्या है, पानी है। तो पहले क्या है, जब गैस आ रही है तो पहले छोटे छोटे बुलबुले दे रहा है, ये क्या हमारे बुलबुले निकल रहे हैं छोटे छोटे, उसके बाद थोड़ा बड़े बड़े। हाइड्रोजन गैस जो होती है वो बहुत हल्की होती है, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बहुत हल्की होती है और बहुत शक्तिशाली भी होती है। हाइड्रोजन गैस हल्की होती है और शक्तिशाली होती है। तो जब यहाँ पर निकल रहा है तो इसके कुछ यहाँ कुछ छोटा भाग है, कुछ इससे बड़ा भाग बुलबुला निकल रहा है, कुछ इससे अधिक इससे बड़ा निकल रहा है, यहाँ पर आते आते बहुत बड़ा निकल रहा है। तो हम यहाँ पर क्या किए हैं, एक मोमबत्ती जलाए हैं। जब मोमबत्ती को हम जलाए हुए लेकर जाएंगे बुलबुले के पास में, तो हमारा क्या प्राप्त होगा, एक जैसे पॉप की ध्वनि उत्पन्न होगी, पॉप की ध्वनि उत्पन्न होगी, तो हम पहचान जाएंगे कि हाइड्रोजन गैस हमारी निकल रही है। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको नोट में, हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के, मतलब हम परख नली ले लिए हैं पास, जब एक जलती हुई, जब एक जलती हुई मोमबत्ती देखिए हम लाए हैं, लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है, तो हम पहचान जाएंगे कि ये हाइड्रोजन गैस है। तो देखिए जब हम हाइड्रोजन बत्ती मोमबत्ती लाए हैं तो इसके पास पॉप की ध्वनि उत्पन्न हुई है, तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न हुई है जब, तो हम पहचान गए हैं कि ये हमारी परीक्षा का, तो ये हमारी क्या हो गई, ये परख नली, जो इसकी पूरी प्रक्रिया है, पूरा प्रोसेस है, वो हाइड्रोजन गैस इससे हमें प्राप्त हो जाएगा। जब हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाएगा तो हम पहचान जाएंगे कि हमारी हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल रही है, हमारा क्या हो जाएगा, परीक्षण हो जाएगा। नोट करने के बाद तुरंत इसको नोट कर लीजिएगा, ये क्योंकि ये बेसिक चीज है, इसको पढ़ लेंगे तो बना के टेस्ट ट्यूब परख नली बना के और अच्छे से क्रिया करा लेंगे कि हमारा हाइड्रोजन प्राप्त हुआ है। लॉकडाउन में क्या कोई करे, यही काम चलेगा लॉकडाउन। चलिए अब हम एक और अच्छे से छारक के साथ करवा रहे हैं, बाइकार्बोनेट के साथ, अब क्रिया उसको अच्छे समझ में आ जाएगा, वो भी इस फिगर के साथ बताएंगे।